पूर्वी भारत का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा 20 नवंबर को है। इसके उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसमें छठ मैया का पूजन और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एकमात्र ऐसा पर्व है जिसे हर वर्ग एक साथ मनाता है। ये उत्सव 4 दिन चलता है। पहले दिन यानी 18 नवंबर को नहाए खाए था, 19 यानी आज खरना, 20 को छठ पूजा और 21 को सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये सूर्य और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। छठ लोगों की आस्था से इस कदर जुड़ा हुआ है कि लोग छठ पर्व को मनाने के लिए लंबी लंबी दूरियों को पार करके आता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जाति, धर्म और महिला पुरुष के बीच होने वाले भेदभाव नजर ही नहीं आते। छठ में प्रयोग किए जाने वाले सूप दाउरा समाज के वे लोग बनाते हैं जिन्हें समाज की निचली जाति की संज्ञा प्रदान करता है, मगर छठ पर्व हर तरह के भेदभाव को मिटा देता है। 4 दिन का यह त्यौहार, सबसे पहले दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें कद्दू और अरवा चावल को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। इसके अगले दिन व्रत करने वाले उपवास करते हैं और शाम को रोटी और गुड़ की खीर का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे सबसे पहले व्रत करने वाले लोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों के बीच इसे वितरण किया जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि जब व्रत करने वाले लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं, उस बीच घर में शांति का माहौल होना चाहिए। इसके अगले दिन शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। फिर अगले दिन के सूर्योदय को अर्घ्य देकर इस पर्व की समाप्ति होती है। इस पर्व में व्रत करने वाले निर्जला उपवास रखते हैं, साथ ही सूरज की रोशनी में रहने से शरीर को विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर विस्तार से बात करें तो 18 नवंबर को छठ पूजा का पहला पर्व नहाए खाए था। आज 19 तारीख को खरना है। खरना के दिन छठी माता की पूजा के लिए खरीदारी और तैयारी की जाती है। इस दिन व्रत करने वाले लोग शाम को शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा करते हैं। छठ पूजा के लिए भोग बनाने के लिए कई सख्त नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा की परंपरा है। नहाए खाए के दिन छठ पूजा का सामान खरीद सके तो ठीक, वरना खरना के दिन खरीदारी की जाती है। नहाए खाए के बाद से व्रती को खरना की शाम में ही भोजन ग्रहण करना होता है। इसके बाद करीब 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना में कहीं कहीं बिना शक्कर की दूध की खीर बनाई जाती है, तो कहीं कहीं गुड़ की खीर के साथ पूड़ी का भोग लगाने का परंपरा है। कहीं कहीं मीठा चावल भी चढ़ाते हैं, यह केले के पत्ते पर रख कर चढ़ाए जाते हैं। पूड़ी खीर के साथ ज्यादातर क्षेत्रों में इस पर पका केला ही चढ़ाया जाता है। खरना पूजा की तैयारी भी खास तरीके से की जाती है। यह प्रसाद तैयार हो जाए तो आसपास के इलाकों में समय तक तय सीमा में लिया जाता है। करीब 15 मिनट के आसपास का समय होता है और इस दौरान किसी भी तरह की आवाज नहीं की जाती है। बच्चों को भी रोने नहीं दिया जाता है। व्रती को पूजा घर में भोजन ग्रहण करना होता है। भोजन ग्रहण करते समय कोई आवाज आ जाए तो व्रती के हाथ वहीं रुक जाते हैं। व्रती का छोड़ा हुआ भोजन भी प्रसाद स्वरूप माना जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से पहले छठी माई का आशीर्वाद लिया जाता है और पूजा में चढ़ा प्रसाद लेकर निकलते समय व्रती से छोटे सभी लोग उनके पैर छूते हैं। यह सब दोपहर तक पूरा करना होता है। इसके बाद सूप दावरा सजाकर छठ घाट की ओर निकल जाते हैं। छठ घाट पर सूर्यास्त से कुछ देर पहले व्रती को पानी में उतरना होता है और सूर्यास्त के पहले हर सूप पर चढ़े प्रसाद को सूर्यदेव के सामने रखकर अर्घ्य अर्पण किया जाता है। सूर्योदय से जितना पहले व्रती पानी में उतरकर छठी मैया की आराधना कर सके उतना अच्छा। घाट पर पूजा करने के बाद व्रती के जल स्रोत से निकलते ही लोग उनके पैर छूते हैं, उनके कपड़ों को धोकर आशीर्वाद लेते हैं। व्रती कोई भी हो, उससे प्रसाद लेकर ग्रहण किया जाता है।